कोई हमारे ऊपर चोट करे, हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करे और हम चुप्पी साध कर और हाथ बांध कर बैठे रहें, ऐसा भारत नहीं रहा है। भारत किसी भी सूरत में अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ यह बात मैं कहना चाहता हूं, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत हमें क्यों नहीं चुकानी पड़े। सर, क्योंकि इस किस्म के वॉर में जो दुश्मन है वो वर्दी पहन के नहीं आता, इसलिए मालूम है इसलिए उसका उसकी पहचान करना मुश्किल है। और पहचान करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। लेकिन क्या हम में क्षमता है उसे पहचानने की और ये जानने की और समझने की कि हमारे खिलाफ ऐसे वॉरफेयर शुरू हो चुका है? मुझे लगता है बहुत पुराने भारत की आप बात कर रहे हैं जी। अब इन सब सारे चैलेंजेज का भी मुकाबला करने की तैयारी भारत की है और भारत अपनी ताकत को और भी साइबर वार, हाइब्रिड वार, इन सब सारे चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए और अधिक ताकत बढ़ा रहा है भी हमारी ताकत इसमें। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। नेशनल सिक्योरिटी जो है हमेशा भारत में एक गवर्नमेंट रोल या गवर्नमेंट ड्यूटी माना जाता था। इसे एक नागरिक को जोड़ना, इसको एक नागरिक के साथ जोड़ना, आम नागरिक को जोड़ना कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हर नागरिक के लिए एक ड्यूटी है, ये कहने में, ये मैसेज देने में आपकी सरकार थोड़ी बहुत कामयाब रही है पिछले 6 साल में। क्या ये एक सोची समझी एक प्लान था, एक सोचा समझा प्लान था, या फिर ये आपके पार्टी में या आपके मे बी RSS बैकग्राउंड या जो भी है, नेशनल सिक्योरिटी जो है इट्स इन योर नेचर, ये सही है? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में मैं चाहे पिछली सरकारें रही हूँ, मैं किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। क्यों? नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर जो भी बन सका है सबने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर मेरा मानना है कि कहीं पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी किसी भी सूरत में नहीं चलना चाहिए। जब राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा हो तो सारे देश को, सारे भेदभावों को भूल कर एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। जितना बन सका पिछली सरकारों ने किया और आज पिछले 6.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही है। और राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रखर और प्रबल भावना भारतवासियों के अंदर बहुत पहले से रही है। अब भारत के प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, मेडिवल हिस्ट्री हो तो एंशियंट हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देखिए, बराबर जब भी अपने स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा हुआ है भारत ने सदैव लड़ाई लड़ी है, हजारों वर्ष तक हम लड़ते रहे हैं। जहाँ आप कहते हैं कि देयर शुड बी यूनानिमिटी सभी पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि 2019 में चाइना ने देखा कि बीजेपी जो है या भारत अंदरूनी मसलों को लेकर इतने उलझन में पड़ गई थी, चाहे CAA हो, आर्टिकल 370 हो, ट्रिपल तलाक का हो, इंडिया वॉज इन अ स्टेट ऑफ बबल, और उसमें उन्होंने, चाइना ने एक विंडो देखा और हमला कर दिया। क्या ये सही है? तो इसमें आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी अब उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा और इस देश की परिस्थितियों का मूल्यांकन किस आधार पर किया, या तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सही किया? लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 2014 के बाद चाहे जितनी भी बड़ी चुनौती आई हो, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस हिम्मत के साथ और जिस संयम के साथ, जिस सूझबूझ के साथ काम किया है और उसमें कामयाबी हासिल की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। भारत कभी परेशान नहीं रहा इधर 2014 से लेकर आज तक 2020 समाप्त हो रहा है, इन 6.5 वर्षों में किसी चैलेंजेस को लेकर परेशान हुए हों इस स्थिति में न तो अपनी प्रधानमंत्री को हमने देखा है, न उनकी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार को पाया है। कभी हम लोगों ने किसी चुनौती को लेकर एकदम बिल्कुल संयम नहीं खोया है जी। मैं किसान आंदोलन पे आती हूँ। अब आप
यू हैव बीन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इसलिए आप जानते हैं इस इशू को, आपने बहुत करीब से देखा है जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है इस मुल्क की. आपके टेन्योर के दौरान आपने आई थिंक किसान चैनल शुरू किया था, किसान बहुत से प्राइसिंग के ऊपर भी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उस समय इंटरेस्ट अनुरोध किया था जी. पहले जहां 14-18% किसानों को अपने कर्ज पर ये इंटरेस्ट देना पड़ता था तो उसमें बातचीत हुई थी, तो उस समय 8% पहली बार अटल जी के शासनकाल में ही यह हुआ था. और उसमें मैं मुझे भारत के कृषि मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला था जी. अब किसान जो हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, उनकी डिमांड सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर. ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप. 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा. जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर.